तो दोस्तों डे टॉप फाइव एमसीक्यूज के पार्ट थ्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज के जो टॉप फाइव एमसीक्यूज हैं उनमें पहला प्रश्न क्या है, फरवरी 2021 में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये देश कौन सा होगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, इसे दुनिया की गौशाला भी कहा जाता है और साथ ही साथ अभी हाल ही में इस देश ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने पर भी मंजूरी दी है और इसका नाम रखा गया है, जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनेगा उसका नाम रखा गया है लेनेट होम। अब आपको याद आ गया होगा और ये देश है ऑप्शन सी यानी कि डेनमार्क। तो दोस्तों फरवरी 2021 में यूरोपीय देश डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह ऊर्जा द्वीप निर्माण के बाद यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगा। निर्माण डेनमार्क के पश्चिमी तट से 80 किलोमीटर की दूरी पर किया जाएगा। पवन टरबाइन से घिरे इस ऊर्जा द्वीप की प्रारंभिक क्षमता 3 गीगावाट होगी। शुरुआत में 3 गीगावाट लेकिन इसे कालांतर में 10 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा और ये कुल मिला के 120,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित होगा। तो आपको याद होगा डेनमार्क ने अपने कोपेनहेगन नामक जो बंदरगाह है उसको बचाने के लिए लेनेट होम नामक एक आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने को भी मंजूरी दी है। तो डेनमार्क संसद ने 35,000 लोगों के रहने और कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जलस्तर से बचाने के लिए एक आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है और इसका नाम रखा गया है लेनेट होम। और ये जो लेनेट होम नामक विशाल द्वीप होगा इसको रिंग रोड, टनल और मेट्रो लाइन से भी जोड़ा जाएगा। बताया गया है कि इसका आकार 1 वर्ग मील यानी कि 2.6 वर्ग किलोमीटर होगा। तो 1 वर्ग मील मतलब कितना होता है, 2.6 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है और इस परियोजना पर इसी साल के अंत तक काम शुरू होने की संभावना भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक हो गई है 131, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 131। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वर्ष 2020 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 16 दिसंबर 2020 को जारी हुई है। तो इस साल भी ये जो रिपोर्ट आएगी 2021 की कब आएगी, 2021 में दिसंबर में ही आएगी। इसमें कुल 189 देशों को शामिल किया गया है। टॉप पर कौन सा देश रहा है, ये नॉर्वे रहा है और अंतिम में यानी कि 189वां स्थान रहा है किसका, नाइजर का रहा है। भारत की बात करें तो 2020 में भारत की रैंक है 189 देशों में 131, जबकि 2019 में भारत था 129वें स्थान पर, 2018 में भारत की रैंक थी 130वें स्थान पर, जबकि 2017 में भारत की रैंक कितनी थी, ये 131वें स्थान पर था लेकिन तब देशों की संख्या थी 188। अभी फिलहाल 2018, 19 और 20 में कुल देश जो लिए जा रहे हैं उनकी संख्या 189 कर दी गई है। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है। वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है फ्रांस के द्वारा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखो अभी हाल ही में पेरिस में जो एक जलवायु परिवर्तन पर बैठक हुई थी 2015 में हुई थी ना, तो कुछ कार्रवाई पेरिस में व्यक्ति भागीदारी से हुई है और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। और फ्रांस में जो बैठक हुई है, कौन सी बैठक, जैव विविधता के लिए चौथा वन प्लैनेट जो बैठक हुई है, तो ये 11 जनवरी 2021 को हुई थी, जिसकी थीम रखी गई है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ये थीम इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व बैंक ग्रुप के अध्यक्ष डेविड मालपास द्वारा। तो तीनों लोग इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे थे। जैव विविधता संरक्षण में 3 सबसे बड़ी बाधा कौन सी है। कई बार ये प्रश्न होता है इंटरव्यू में और एग्जाम में पूछा गया है कि जैव विविधता संरक्षण में 3 सबसे बड़ी बाधाएं कौन कौन सी हैं। एक तो है विदोहन, ठीक है, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा है जलवायु परिवर्तन। विदोहन समझ रहे हैं आप, विदोहन का मतलब होता है कि प्रकृति से उतना ले लेना जितना कि वो रिपेयर नहीं कर पाती, जितना कि वो मेंटेन नहीं कर पाती है, उसे कहते हैं विदोहन। और पेरिस समझौते में स्वीकार किए गए जलवायु परिवर्तन समझौते की प्रतिबद्धता की समीक्षा के लिए जो पहला वन प्लैनेट समिट हुआ था वो 12 दिसंबर 2017 को पेरिस में ही हुआ था। दूसरा सम्मेलन हुआ 26 सितंबर 2018 में न्यूयॉर्क सिटी में। तीसरा सम्मेलन हुआ 14 मार्च 2019 को नैरोबी केन्या में। और अब ये चौथा वाला सम्मेलन हुआ है कहाँ पर, तो ये सम्मेलन भी किया गया है पेरिस में ही, ठीक है। और 2020 का वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की
रैंक क्या है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछ रहा है। तो बताओ कि कितनी रैंक है भारत इस समय, है यानी कि 2020 में जो रैंकिंग रही वो कितनी है, 53 रही है। और इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है EIU यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। और यहाँ पर इसे जारी किया गया 3 फरवरी 2021, कुल देश रहे शामिल 167। और इसका शीर्षक क्या रहा, रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसका शीर्षक रहा है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। और इस इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है, अंतिम स्थान मिला है उत्तरी कोरिया को। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो 5 देश रहे वो इस प्रकार से हैं, नॉर्वे पहले स्थान पर, आइसलैंड दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर और कनाडा रहा है 5वें स्थान पर। लोकतंत्र सूचकांक में शामिल 167 देशों में 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र माना गया, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र माना गया, 53 देशों को मिश्रित शासन माना गया और 57 को सत्तावादी शासन में रखा गया है। अब यहाँ पर मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूँ कि भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है और पाकिस्तान को सत्तावादी शासन में रखा गया है, तो इसको आप याद रखना। सूचकांक में भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राज़ील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में कितने देश वर्गीकृत हुए हैं, 52 देश हुए हैं। और इस सूचकांक में श्रीलंका रहा है 68वें स्थान पर, तो श्रीलंका को भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में ही रखा गया है, जबकि बांग्लादेश 76, भूटान का स्थान 84वां, पाकिस्तान रहा है खैर 105वें स्थान पर है। तो ये जो देश हैं तीनों के तीनों, इन्हें रखा गया है सत्तावादी शासन में, मतलब यहाँ पर लोकतंत्र तो बिल्कुल है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस राज्य में बनेगा, देखो ये जनवरी की बात है, जब दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बन रहा था वो मध्य प्रदेश में बन रहा था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा कहाँ पर, सिंगापुर में बनाया जाएगा, ये मार्च की बात है। तो फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है वो भारत में बन रहा है, मध्य प्रदेश में। एग्जाम में अगर आया भारत का नाम रहेगा तो मध्य प्रदेश, अगर देश का नाम रहेगा तो वहाँ पर सिंगापुर को आप टिक कर देना। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर यह बनेगा, कहाँ पर बनेगा, नर्मदा नदी पर एक बांध है ओंकारेश्वर बांध, जहाँ पर इस फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 600 मेगावाट होगी और इसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इस प्रोजेक्ट में सहायता देने की बात कही है और 2022-23 में इससे विद्युत उत्पादन की संभावना है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, आप सभी के उत्तर बिल्कुल सही थे। और अब बारी है क्विज नंबर 3 की। बताओ कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया, कमलम संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है कमल से, तो ये हैं आपके ऑप्शन। और दोस्तों ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करो ताकि बाकी के लोग भी इसे देखें। वैसे यह एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज है, इसमें जो भी प्रश्न और जो भी फैक्ट आपको बताए जाते हैं वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो सामान्य ज्ञान है वो भी काफ़ी विस्तारित होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।